हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपको नवरात्रि स्पेशल कन्या पूजन के लिए अष्टमी नवमी पर जो प्रसाद बनाया जाता है वो बनाने का तरीका बताऊंगा ऐसा नरम मुलायम हलवा इसके साथ में चटपटे से ड्राई चने और ऐसी फूली फूली सी पूरियाँ तो पूरी थाली आपको बनाने का तरीका बताने वाला हूं तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने तीन ग्राम चने लिए हैं ब्लैक चने का आपने यूज करना है प्रसाद बनाने के लिए इनको आपने ना एक बाउल में डाल देना है अच्छी तरह से चनों को कम से कम दो से तीन पानी से धो लीजिए ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगे हो पूरी तरह से निकल जाए धोने के बाद आपने इनको ना आठ से नौ घंटे तक भिगो के रखना है ताकि अच्छी तरह से जो चने वो फूल जाएं तो अगर आपने सुबह चने बनाने हैं प्रसाद में तो रात को ही इनको भिगो के रख दीजिए ये देखिए यहाँ पे मैंने चनों को कम से कम आठ घंटे तक भिगो के रखा था और चने अच्छी तरह से फूल चुके हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं इसके बाद आपने इनको बॉइल करना है तो पानी देखिए मैंने वही यूज़ किया क्योंकि चनों को हमने धो के ऐड किया था और इसके साथ में आप इसमें एक छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर दीजिए अब आपने एक और बात ध्यान में रखनी है पानी आपने इतना ही डालना है जितने लेवल में आपके चने हो तो एक बिसल आने के बाद इनको 10 से 12 मिनट तक पकने दीजिए और एकदम से स्टीम नहीं निकालनी है जब स्टीम निकल के ख़त्म हो जाएगी इसके बाद आप डक्कन खोलिए और के देखिए चने अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं मैंने चार बिसल लगवाई थी इससे ज्यादा देर इनको नहीं पकाना है ज़्यादा पकाएंगे चने गल जाएंगे और आपके चने खिले खिले नहीं बनेंगे वहाँ पे तो इस तरह से चनों को बॉईल कर लीजिए एक आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें घी ऐड करना है हम जो प्रसाद हैं ज़्यादातर घी में ही बना के तैयार करते हैं तो दो छोटे चम्मच मैंने इसे देसी घी ऐड कर दिया है घी को अच्छी तरह से आपने मेल्ट होने देना है गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए एक छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है जीरे को आराम से चटकने दीजिए ताकि इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए एक छोटा चम्मच बारीक कटो अदरक थोड़ी सी आपने इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड करनी है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को थोड़ी देर पका लीजिए अब आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर देनी है इसमें मसाले ऐड करने हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है कच्चा जीरा पाउडर का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए खट्टा करने के लिए आपने एक चम्मच इसमें ना आमचूर पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम में तीस से चालीस सेकंड तक आपने मसालों को ना पका लेना है ज्यादा देर नहीं पकाना है केवल हम ज्यादा देर मसालों को पकाते हैं वो जल जाते हैं उनका टेस्ट कड़वा हो जाता है तो तीस से चालीस सेकेंड पकाने के बाद आपने इसमें जो चनों में पानी होगा वो ऐड कर देना है और चने नहीं डालने क्योंकि चने सॉफ्ट हो चुके हैं अगर चनों को पानी के साथ ही पका देंगे तो उनकी ना खिचड़ी जैसी बन जाएगी तो अब आपने ना पानी डालने को गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और इस पानी को मसालों के साथ अच्छी तरह से पका लेना है ताकि मसाले जो अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं और अच्छी थिकनेस भी आ चुकी है इसके वो जो आपने ना चने रखे होंगे वो चने इसमें ऐड कर देने हैं और अब आपने ना गैस की फ्लेम हाई करनी है चनों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तब तक आपने चनों को पकाना है जब तक ये मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और चनों के ऊपर अच्छे से कोट ना हो जाए तो ये देखिए मसाले थोड़े से ड्राई होना शुरू हो चुके हैं ऊपर से कवर कर दीजिए दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो चनों के अंदर तक आ जाए तो ये देखिए मसाले यहाँ पे ना ड्राई हो चुके हैं और चनों के ऊपर अच्छी तरह से इनकी कोटिंग भी आ चुकी है तो इस तरह से आप इन चनों को बहुत ही ईजिली घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में बन तैयार हो जाते हैं लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डालना है और अगर आप इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डालना चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें गर्म मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं और अच्छे से गर्म मसाला पाउडर को भी मिक्स कर लीजिए तो प्रसाद के जो चने वो बनके तैयार हो चुके हैं इसके बाद आपने ना पूरी का डो लगा लेना है क्योंकि उसको सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो पाँच ग्राम यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है थोड़ी सी उसमें सूजी ऐड करेंगे तो डेढ़ से दो बड़े चम्मच आपने इसमें सूजी ऐड कर देनी है सूजी को आपने आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है इसके बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है जो आपने डो लगाना है पूरी का वो टाइट डो लगाना है ज़्यादा सॉफ्ट डो लगा के तैयार नहीं करना है देखिए यहाँ पे मैंने दो कप इसमें पानी की एड कर दिए हैं अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेना है तो डो लगाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा ताकि डो जो ज़्यादा गीला ना हो टाइट डो रहेगा आपकी पूरी अच्छी फूली फूली बनेंगी देखिए आटे को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लेना है आपने हल्का सा पानी स्प्रिंकल कीजिए तीन से चार मिनट तक इसको ना इस तरह से थोड़ा सा तो जोर लगा के गूंध लीजिए ताकि हमारा जो डो है पूरी लगाने के जल्दी से सेट हो जाए तो देखिए आटे की जो दरारें हैं खत्म हो चुकी हैं इस तरह से आपने आटे को इकट्ठा करना है और इसको इस ना ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के 20 मिनट का रेस्ट देना है 20 मिनट के बाद आप इसकी पूरियां बना सकते हैं अब हलवा बना लेते हैं जब तक डो सेट हो रहा है एक कप यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है जब भी आप प्रसाद बनाएं घी में ही बनाएं तो घी को आपने ना कढ़ाई में डालना है तो एक बड़ा चम्मच देखिए पहले मैंने घी का कढ़ाई में डाल दिया है थोड़े से बादाम काजू और किशमिश लिए हैं इनको आपने ना घी के साथ हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना है हल्का सा शैलो फ्राई करने से इनमें एक अच्छा क्रंच आ जाएगा गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है ज़्यादा तेज गैस में नहीं पका रहे नहीं तो एकदम से जल जाते हैं इसके वजह से इनमें हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा किशमिश भी आपने ऐड कर देनी है किशमिश को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जब तक किशमिश फूल ना जाए तब तक इसको पका लीजिए देखिए किशमिश फूल चुकी है इसको आपने प्लेट में निकाल लेना है जो हुआ घी है उसमें से आपने सिर्फ एक चम्मच बचाना है बाकी सारे का सारा ना कढ़ाई में डाल देना है देखिए इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे घी जैसे मेल्ट हो जाएगा एक कप आपने इसमें सूजी ऐड करनी है जितना घी लेना है उतनी ही सूजी यूज कीजिए और घी के साथ सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में सूजी को 9 से 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है जब तक सूजी पक रही है तब तक पानी को बॉइल कर लीजिए एक साइड में तो एक कप मैंने घी लिया था एक कप ही सूजी का यूज किया है और चार कप आपने इसमें पानी के ऐड करने है पानी कम नहीं डालना है कम पानी डालेंगे आपका जो हलवा है ना ड्राई ड्राई बनेगा तो प्रसाद के लिए जो हलवा थोड़ा सा गीला बनाया जाता है चार कप पानी हल्का सा मैंने इसमें ना येलो फूड कलर का यूज किया ये है ये ऑप्शनल है अगर आपके पास केसर हो तो आप इसमें केसर डाल सकते हैं पानी को उबलने दीजिए और यहाँ पे देखिए आठ से नौ मिनट हो चुके हैं सूजी को पकाते हुए और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी थी और इसकी जो खुशबू है वो भी आना शुरू हो चुकी है तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा वाइट कलर में हलवा बनाना प्रसाद बनाना चाहते हैं तो इतना ही सूजी को पकाइए गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है थोड़ी देर इसमें पलटा चलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाए इसके बाद अपने इसमें गर्म पानी डालना है तो जब भी आप पानी ऐड करें कि देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें एक बार में नहीं डाल देना है एक बार में पानी डाल देंगे पानी उबलता हुआ रहता है तो केवल कढ़ाई से बाहर आने के चांसे रहते हैं और अगर आप प्रसाद ब्राउन कलर में बनाना चाहते हैं तो सूजी को 12 से 13 मिनट तक पकाना है उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है फिर आपका जो प्रसाद है कुछ इस तरह से बनेगा तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड में हमारा जो प्रसाद है वो पक रहा है गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है हाई फ्लेम में आपने प्रसाद को अब तब तक पकाना है जब तक थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए और इसमें ना अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं इलायची पाउडर ना हो थोड़ी सी इलायची ना उसके जो बीज होते हैं कूट के डाल दीजिए छिलके नहीं डालने हैं सिर्फ बीज ही बीज डाल दीजिए अब गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है और ये देखिए तीन से चार मिनट तक आप इसको पकाएंगे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसमें ना चीनी ऐड करनी है तो जितना आपने ना सूजी लेनी है उतना ही घी और उतनी ही चीनी का यूज़ करना है और चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जैसे आप चीनी ऐड करेंगे आपका जो हलवा है थोड़ा सा फिर से पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी में भी हल्का सा पानी रहता है तो ओके देखिए हमारा जो हलवा है फिर से यहाँ पतला हो चुका है इसके बाद आपने इसमें ड्राई नट्स भी ऐड कर देने हैं और प्लेट्स में थोड़ा सा घी चिपका रह जाएगा वो भी इस तरह से मिक्स करके उसको भी डाल दीजिए और ड्राई नट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो हलवाई लोग देखिए इसी तरह से हलवा बनाते हैं और वो ज़्यादा पकाते नहीं है वो थोड़ा सा ना इसको पतला रखते हैं अगर आप ज़्यादा ही ड्राई कर देंगे जब ये बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है ना फिर ये भूर भुर भुरा सा हो जाता है तो हमें प्रसाद के लिए थोड़ा सा लिक्विड टाइप में हलवा बनाना पड़ता है फिर जो बचा हुआ घी था एक चम्मच बचा के रखा था वो भी आपने इसमें ऐड कर देना है और इस घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए तो चीनी डालने के बाद आपने इसको सिर्फ़ दो से तीन मिनट तक पकाना है जब आपका जो प्रसाद है इस तरह से हो जाएगा गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इसके बाद आपने जल्दी जल्दी से ना पूरियाँ भी बना लेनी है इससे ड्राई नहीं करना है आपने इसको ठीक है तो यहाँ पे मैंने पूरी के पेड़े बना के रख लिए थे और इसके बाद आपने ना देखिए इस तरह से पेड़े को दबाना है और राउंड शेप में आप इसकी ना पूरी बना लीजिए और पूरी के बाहर से आपने सूखा आटा नहीं लगाना है हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा तो इसके बाद आपने पूरी को इस तरह से उठाना है जो ऊपर वाली साइड है वो तेल के नीचे वाली साइड को करनी है ठीक है तेल का टेम्परेचर आपने ना गर्म रखना है यहाँ पे इस तरह से पूरी को हल्का सा दबाइए जैसे आप दबाएंगे इसको पलटी करेंगे पूरी अच्छे से फूल जाएगी तो ये हमारी देखिए प्रसाद की जो थाली है वो तैयार हो चुकी है इसके बाद आप इसको ना सर्व कर दीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ओके फ्रेंड्स मिलते नई वीडियो के साथ थैंक यू